तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजेड 360 ऑफिशियल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लिस्टिंग के बारे में। कुछ लोगों को बिजनेस लिस्टिंग में कुछ इशू आ रहा था, वो बिजनेस लिस्ट कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ डिटेल में किस तरह से आप बिजनेस लिस्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो कुछ सर्विस वगैरह ऑफर करते होंगे, तो यहाँ से सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है या कोई कंपनी है या स्कूल है कॉलेज जो भी है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ सर्विस आप ऑफर करते हैं। तो पहले सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे सब कैटेगरी में। यहाँ से आपकी कोई सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए पैकर्स और मूवर्स की आपकी कोई सर्विस है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, अगर स्टाफ है तो स्टाफ, नहीं तो उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे अपना अगर व्हाट्सएप नंबर है तो, लैंडलाइन नंबर अगर है तो, ईमेल आईडी XYZ जो भी, gmail.com या जो भी हो। उसके बाद बिजनेस का लीगल नेम क्या है, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान पैकर्स मूवर्स लिमिटेड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिजी हो गया बिजनेस का नाम। इसमें यहाँ पे आपको सिटी का नाम और मेंशन करना है साथ में। मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली, अगर आप कोई लोकलिटी का यहाँ पे बताना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली में कोई पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए लक्ष्मी नगर से आप हैं तो लक्ष्मी नगर, और उसके बाद आपको सेम नाम जो बिजनेस का है आपके, मान लीजिए आपका बिजनेस का नाम क्या है, वो ये नाम है आपका, आगे लोकलिटी आ गई। तो यहाँ पे बिजनेस लीगल नेम में आप सिर्फ बिजनेस का नाम लिखेंगे और कुछ नहीं डालना आपको। उसके बाद बिजनेस का टाइप क्या है, इंडिविजुअल यानी कि अकेले रन करते हैं, कोई और पार्टनर वगैरह कुछ नहीं है, या कंपनी का टाइप आपने लिस्टेड सॉरी रजिस्टर्ड कंपनी है और वो LLP है या OPC है, पार्टनरशिप कोई फर्म है, तो वो देख लेंगे आप आपकी कंपनी किस तरह की, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, नहीं तो सोल अगर अकेले चलाते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चली जाएगी, और अगर इंडिविजुअली रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। उसका GST नंबर अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंशन कर देंगे। एड्रेस क्या है आपका, आपका जो भी एड्रेस हो इस तरह से फॉर्म लगा के सारी चीज़ें डाल देंगे। विलेज है अगर सिटी है तो सिटी जो भी हो। लैंडमार्क में आप नियर बाय डाल सकते हैं, जैसे नियर हनुमान मंदिर, इस टाइप से कुछ जो भी हो लैंडमार्क वो डालेंगे। उसका कब फाउंड हुई थी, मतलब किस कब स्टार्ट किया था कंपनी को, मान लीजिए 2016 में आपने अपने नाम स्टार्ट किया। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, मान लीजिए 10 हैं। वेबसाइट अगर नाम है अगर है आपका तो वही तो XYZ जो भी हो .com। उसके बाद एक इमेज डाल देंगे यहाँ पे, कोई भी इमेज उठा लेंगे अपने, तो इसमें तो है नहीं फिलहाल, जो भी एक इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा अपनी सर्विस या कंपनी के बारे में लिख देंगे, जैसे बी प्रोवाइड पैकर्स मूवर्स सर्विसेस इन लक्ष्मी नगर सिंस 2015 वी हैव दिस XYZ सर्विसेस। इसके बारे में जहाँ जो भी सर्विसेज होंगी वो लिख देंगे, आपकी सर्विस आप जाने। और उसके बाद आप इंडिया से हैं ऑब्वियसली, तो आप तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, आउट ऑफ इंडिया होता तो उसी हिसाब से। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश, सिटी मान लीजिए आप मेरठ से हैं तो सिटी का नाम, पिन कोड जो भी हो आपका मुझे नहीं पता, एंड पब्लिश। ये छोटा सा काम है, आप इस तरह से आपको बिजनेस लिस्टिंग करनी है और पब्लिश करते ही आपका बिजनेस लिस्ट हो जाएगा और दैट्स इट। तो आशा करता हूँ वीडियो आई होगी पसंद, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में लगती है मेहनत।